आगे के अंशों को लेकर आई हूँ। हम लोग अपने पिछले वीडियो में नादान दोस्त इस पार्ट में हम देखे कि केशव और श्यामा अंडों की हिफाजत या फिर कह सकते हैं कि उन्हें अनुमान था कि उन अंडों से बच्चे निकल आए हैं, तो उन बच्चों की हिफाजत करने के लिए, बच्चों को ताकि भूखा प्यासा मरना ना पड़े इसलिए उनके लिए दानों और पानी का इंतजाम करने के लिए अपने को व्यस्त कर डाले। वे काफी चिंतित थे, केशव और श्यामा जो थे वो काफी चिंतित थे और वो चाहते थे कि चिड़िया को और चिड़ा को किसी तरह की तकलीफ ना उठाना पड़े, किसी तरह से उन्हें दानों के लिए, चारे पानी के लिए, अपने बच्चों के चारे पानी के लिए उन्हें किसी प्रकार का कोई तकलीफ उठाना ना पड़े और वे चिड़ा और चिड़िया की मदद करना चाहते थे। केशव और श्यामा दोनों भाई बहन चिड़ा और चिड़िया की मदद करना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनके बच्चों के लिए अगर वे दाना और पानी का इंतजाम कर दें और उनके बच्चों को धूप से अगर बचाने के लिए छाए का इंतजाम कर दें तो चिड़ा चिड़िया को काफ़ी मदद मिलेगी। और हम ये देखते हैं कि दोनों भाई बहन अर्थात श्यामा और केशव वहाँ पर दाना रखते हैं कार्निस के ऊपर और वहाँ पर प्याले में पानी रखते हैं, साथ ही एक टूटी हुई टोकरी को लेकर छाए बनाने के एक टूटी हुई टोकरी को भी वहाँ पर टहनी से टिकाकर घोंसले के ऊपर रखते हैं ताकि उन बच्चों को, चिड़िया के बच्चों को क्या मिल सके, छाया मिल सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि केशव और श्यामा बहुत काम कर लेते हैं। हम ये भी देखते हैं कि दोनों भाई बहन चिड़ा और चिड़िया के बच्चों के लिए दाना पानी तथा छाए का इंतजाम करने के लिए अपनी माँ की आँख को बचाकर, अर्थात श्यामा और केशव अपनी माँ की आँख को बचाकर मटके में से चावल निकाल कर लाए थे, ठीक है, और तेल की प्याली था जिस तेल को उसने क्या किया था, जमीन पर गिराकर प्याली को खाली किया था, साफ भी किया था, उसमें पानी भरा था, साथ ही टोकरी, कूड़े फेंकने वाले टोकरी को भी वो माँ की आँख बचाकर ले आए थे। और इन सारे चीज़ों को लेकर कार्निस के ऊपर रखने का काम केशव ने किया था और श्यामा ने उसकी मदद की थी। जब माँ दिन को सुलाने के बाद, खाना खिलाने के बाद, दोनों बच्चों को खाना खिलाने के बाद, सारे काम को ख़त्म करने के बाद जब माँ उन बच्चों को लेकर सोती है तो दोनों बच्चे जो हैं, हम ये भी देखते हैं कि वो नाटक करते हैं सोने का। ऐसा वो इसलिए कर रहे थे ताकि उनके माँ को ये लगे, पता चले कि दोनों बच्चे श्यामा और केशव सो गए हैं, तब उसकी माँ निश्चिंत होकर सो जाएगी और माँ के सोते ही वो बाहर निकल आएंगे और बाहर निकल कर वो भी एक सारे काम कर पाएंगे, क्योंकि अगर माँ को पता चल गया तो माँ उन्हें कार्निस पर चढ़ने और ये सब कुछ करने के लिए नहीं देगी। ये सब कुछ करने के बाद दोनों भाई बहन श्यामा और केशव जो थे जब काम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद उसकी माँ बाहर आती है और माँ बाहर आकर दोनों को धूप में देखती है, केशव और श्यामा को, दोनों को डांट कर और बहुत डांट कर उन्हें फिर से अंदर ले जाती है, सुला देती है। उस समय दिन के 2 बज रहे थे, गर्मी का समय था और गर्मी के दिनों में लू भी चलती है, तो लू भी चल रही थी, दोनों भाई बहन बहुत थक भी गए थे। अब दोनों भाई बहन आराम से सो जाते हैं। हम लोग अपने पिछले वीडियो में इतना देखे थे, अब हम लोग तीसरे वाले इस कहानी के, दादान दोस्त के तीसरे चरण की ओर आते हैं, तीसरे भाग में आते हैं, देखते हैं कि तीसरे भाग में क्या है, उन अंडों के साथ क्या हुआ, क्योंकि अंडों से उन्हें अनुमान था श्यामा और केशव के अंडों से बच्चे निकल आए हैं, लेकिन केशव कार्निस पर चलकर देखता है कि अभी भी वो अंडे जो हैं उनसे कोई बच्चे नहीं निकले हैं, वो अंडे अब भी वहाँ पर वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। अब हम देखते हैं उन अंडों के साथ क्या हुआ, क्या अंजाम हुआ उन अंडों का। मैं पढ़ते जा रही हूँ, मैं इनका बताते व्याख्या भी बताते जा रही हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिए। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे, वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी, टोकरी का पता न था, संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पाँव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। तो हम क्या देखते हैं कि जब 4 बजता है उसमें श्यामा की नींद एकाएक खुल जाती है। श्यामा नींद से उठती है, किवाड़ खुला हुआ था, बाहर निकलती है। अब तो इन बच्चों के, श्यामा और केशव के एकमात्र जीवन का एकमात्र उद्देश्य रह गया था वो चिड़ा और चिड़िया और उनके अंडे और वो चिड़िया के बच्चे।
कब अंडों से बच्चे निकलेंगे, बच्चों को पालना ही अब उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य रह गया था। तो फिर जो है वो नींद से उठते ही किवाड़ खुली हुई थी, वो उस कांडिस के नीचे आती है, आकर देखती है ऊपर, जैसी मुंह उठाती है, वो उठाते ही देखती है कि टोकरी वहां पर उसे दिखाई नहीं दे रहा है, जिस टोकरी को केशव ने छाई के लिए घोंसले के ऊपर रखा था, टहनी से टिका कर रखा था। अब वो टोकरी जो था उसे वो टोकरी का कोई पता नहीं था, और उसकी नजर अचानक नीचे जमीन पर पड़ी। नीचे जमीन पर उसकी नजर पड़ते ही वो जो देखी उसे देखकर वो उल्टे पांव दौड़कर अंदर कमरे में गई, क्योंकि श्यामा को अभी नीचे जमीन पर टूटे हुए अंडे दिखाई दे रहे थे। टूटे हुए अंडों को वो जमीन पर गिरे हुए देखी, टूटे हुए अंडों को जमीन पर पड़ा हुआ देखी तो श्यामा को ऐसा प्रतीत हुआ कि अंडों में से बच्चे जो है वो निकलकर उड़कर चले गए और अंडे के छिलके जो है वो वहां पे गिरे हुए हैं। देखते हैं फिर क्या हुआ। केशव घबरा कर उठा और वो दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। चूने, जो चूना होता है ना, सफेद सफेद चूना पानी। तो केशव उसकी बात को सुनकर श्यामा जैसे ही कहती है कि भैया भैया जल्दी उठो, मैं तो जो देखती हूँ कि जमीन पर तीनों अंडे जो है वो नीचे गिरे पड़े हैं और अंडों में से बच्चे निकलकर उड़ कर चले गए। अंडे वहाँ पे गिरे पड़े हैं और अंडों के बच्चे जो हैं वो निकलकर चले गए। जल्दी से बाहर आओ। केशव श्यामा की बात को सुनकर घबरा जाता है, उसे भी समझ में नहीं आता है कि बात क्या है। तो वो बाहर आता है। बाहर आकर केशव जो है, केशव श्यामा से बड़ा होने के कारण उसकी समझदारी थोड़ी ज्यादा है, तो बाहर आकर वो देखता है कि सच में अंडे जो है वो नीचे टूट कर पड़े हुए हैं और अंडों में से सफेद चूना पानी जैसा कोई पदार्थ है जो बाहर निकल आया है और वो जमीन पर गिरा हुआ है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। जिस पानी की प्याली को वो ऊपर रखे थे, पानी भरकर रखे थे, वो पानी की प्याली भी अब जमीन पर टूट कर पड़ी हुई है। टोकरी का भी पता नहीं, टोकरी भी जहाँ जो ऊपर कांडिस के ऊपर था उसका भी पता नहीं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, चेहरे का रंग उड़ गया मतलब ये मुहावरा है, वो घबरा गया, ठीक है, वो आश्चर्यचकित हो गया और साथ ही घबरा गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा और डर कर डरे डरे आंखों से, उसके आंखों में अब डर था, अब वो डरे हुए आंखों से जमीन की ओर देखने लगा कि सब कुछ खत्म, चिड़िया के जो अंडे थे वो सारे अंडे अब टूटकर गिरे हुए हैं और अंडों में से सफेद चूने पानी जैसा पदार्थ भी बाहर निकल कर गिरा पड़ा है। तो वो अब समझ रहा था कि अंडे जो हैं वो सारे अंडे टूट गए, नष्ट हो गए। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। करुण स्वर अर्थात अब वो बहुत दुखी होकर कहा। श्यामा उससे पूछती है कि अंडे में तो बच्चे थे ना भैया, तो अंडे से बच्चे कहाँ चले गए? बच्चे क्या उड़कर बाहर चले गए, दूर चले गए? तो करुण स्वर में, बड़े दुखी आवाज में केशव कहने लगा, अरे अंडे तो सारे के सारे फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? तब श्यामा पूछती है, और बच्चे कहाँ गए? फिर बच्चे तो उसके अंदर बच्चे थे ना, वो कहाँ गए? केशव तेरे सर में, वो गुस्सा कर कहता है कि तेरे सर में देखती नहीं अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो दो चार दिनों में बच्चे बन जाते। और उस समय केशव श्यामा को समझाते हुए कहता है कि अरे पगली देखती नहीं, अंडों में से सफेद सफेद उजला उजला पानी जो है वो बाहर निकल आया है, यही सफेद पानी तो बच्चे बन जाते थे, यही सफेद पानी बच्चे में परिणत हो जाते, कुछ दिनों में यही पानी बच्चे बनकर बाहर निकल आते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा कि तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। फिर से माँ को यह संदेह होने लगा कि दोनों भाई बहन धूप में निकल गए हैं। तो अब माँ अपने हाथ में सोटी लेकर, मतलब एक छड़ी लेकर, लकड़ी का लंबा छड़ी लेकर वो आती है और दोनों को आकर पूछती है कि यहाँ पर तुम कैसे बाहर आए, तुम दोनों यहाँ धूप में क्या कर रहे हो?
तब श्यामा अपनी माँ से कहती है, अब तो माँ से कुछ छिपाना गलत है। तो अब श्यामा जो है अपनी माँ से कहती है कि अम्मा जी, चिड़िया के अंडे फूट गए। ये जो चिड़िया जो अंडे दे रखे थे, ये कार्निस के ऊपर जो अंडे दे रखे थे, देखिए माँ जी, अम्मा जी, चिड़िया के सारे अंडे जो हैं वो टूटे पड़े हैं, सारे के सारे अंडे तो टूट गए। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। और उस समय माँ आकर उन अंडों को देखती है और अंडों को देखते ही माँ को ऐसा कुछ संदेह होने लगता है श्यामा और केशव की माँ को, अवश्य ही इन दोनों ने अंडों के साथ कोई छेड़खानी की होगी, अंडों के साथ कुछ न कुछ ये दोनों अवश्य ही किए होंगे, तभी ये बार बार बाहर को निकल आते हैं और मेरी आँख छुपा छुपा कर, माँ को ऐसा संदेह हुआ कि वो उनकी आँख छुपा छुपा कर तभी बाहर दोनों भाई बहन निकल आते हैं, अवश्य ही इनमें से कोई इन दोनों ने ही अंडों को छुआ होगा या अंडों के साथ कोई ना कोई छेड़खानी की होगी। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया। श्यामा बड़े ही आनंद में थी कि थोड़े ही दिनों में अंडों से बच्चे निकलेंगे और उन बच्चों को वे दोनों पालेंगे, ठीक है। श्यामा उन्हें खिलाएगी पिलाएगी और उन्हें बड़ा करेगी। श्यामा बड़ी ही खुश थी, लेकिन अब उसे अपने भैया पर भी गुस्सा आ रहा था। एक तो भैया ने उसे अंडा दिखाया नहीं था और दूसरा उसे ऐसा लग रहा था कि उसके भैया ने ही अंडों को ठीक तरह से रखा नहीं होगा, तभी वे अंडे कार्निस से गिर गए होंगे। अब उसे अपने भैया पर बिल्कुल तरस नहीं आया। पिछली बार तो वो अपने भैया को बचाई थी जब उसकी माँ ने पूछा था कि किवाड़ किसने खोला। श्यामा अपने भैया का कोई भी शिकायत अपनी माँ से नहीं की थी, उसने एक बार के लिए भी नहीं कहा था कि भैया ने किवाड़ खोला। तो उस समय तो श्यामा अपने भैया को माँ से बचाई थी, लेकिन इस बार उसे बिल्कुल भी अपने भैया पर तरस नहीं आया, क्योंकि श्यामा का सपना था कि उन बच्चों को बड़ा करना, उन बच्चों से मिलना, लेकिन उसका ये सपना पूरा नहीं हुआ। उसे लगा कि उसके भैया ही अवश्य उन अंडों को लापरवाही से रख दिया होगा और यही कारण है कि अंडे गिर गए। तो वो कहती है कि अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया, उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। श्यामा को ऐसा लगा कि भैया ने लापरवाही से अंडे को रखा होगा, तभी तो अंडे नीचे गिर गए, इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। और श्यामा अब चाहती थी कि भैया को अच्छी सजा माँ से मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने ही अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भींगे बिल्ली बना खड़ा था। केशव अब चुपचाप बिने शब्दों का निशब्द एकदम चुपचाप का एकदम डर कर सहम कर खड़ा था। अब उसके पास कोई शब्द नहीं थे, केशव बिल्कुल शांत था। माँ, तुम वहाँ पहुँचा कैसे? माँ उससे पूछती है कि कार्निस तो बहुत ऊपर है, कार्निस के ऊपर अंडों को छेड़ने के लिए तुम वहाँ तक कैसे पहुँचा? तब श्यामा तुरंत वो आकर कहती है, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। भाई बहनों में ऐसा होता है ना, जब भाई बहन का नहीं पड़ता किसी कारण से, ऐसे तो भाई बहन में प्यार होता ही है, किंतु कभी होता है ना कि बहन का भाई से नहीं पड़ता या बहन का भाई से नहीं पड़ता है, उसमें मम्मी पापा से डांट खिलाने के लिए तो उस समय आगे बढ़ बढ़ कर भाई या बहन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी वो केशव से बहुत अभी गुस्से में है, श्यामा केशव से गुस्साई हुई है। अब वो चाहती थी कि केशव को सजा मिले, तो वो पहले आकर कह देती है, केशव के कुछ कहने से पहले ही श्यामा कह देती है कि चौकी पर स्टूल रखकर उस पर चढ़े थे। तब केशव कहता है, तू स्टूल थामे नहीं खड़े थे? केशव कहता है कि अकेले मेरी ही गलती है, क्या स्टूल को पकड़ने को थाम कर खड़ी तू नहीं थी? तू भी तो मेरे साथ थी, इस काम में तो हम दोनों ही थे। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। तब श्यामा तुरंत अपने भाई पर इल्जाम लगाती है, तुमने मुझे स्टूल को पकड़ने के लिए कहा था, तभी तो मैं पकड़ी थी, नहीं तो मैं थोड़े ना पकड़ती। तो इस तरह से माँ के सामने दोनों भाई बहन आपस में लड़ने लगते हैं। तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। तब उसकी माँ के सबको डांटते हुए कहती है कि तू तो बड़ा है, तू इतना बड़ा हो गया किंतु तुझे अब तक ये नहीं मालूम कि चिड़ियों के अंडों को छूना नहीं चाहिए, अंडों को छू देने से अंडे गंदे हो जाते हैं, तब चिड़िया उन्हें नहीं सेती। सेना मने ताप देना, अंडों के ऊपर चिड़िया बैठते हैं, बैठकर उसे ताप देते रहते हैं, अपने शरीर की गर्मी उन अंडों को प्रदान करते हैं, तब अंडा बड़ा होता है और अंडे के अंदर धीरे धीरे बच्चा जो है वो बड़ा होता है।
अंडे के अंदर जो सफेद उजला पदार्थ है वो धीरे धीरे बच्चे में परिणत होने लगता है। तो उसके लिए जो चिड़िया होती है वो अंडे पर बैठकर अंडे को सेती है, मतलब ताप देती है, गर्मी प्रदान करती है, अपने शरीर की गर्मी प्रदान करती है। तो इसीलिए वहाँ पर चिड़िया और चिड़िया बार बार आते थे, आकर वो अंडे पर बैठते थे, अंडे को ताप देते थे, अंडे को सेते थे। तो ये बात केशव को शायद मालूम नहीं था, और केशव जो था उसे ये भी नहीं मालूम था कि उन्हें छूना नहीं चाहिए। छू देने से, आदमी के हाथ लग जाने से फिर चिड़िया उसे सेती नहीं है, उन अंडों को छू देने से चिड़िया उन्हें नहीं सेती है, गंदे हो जाते हैं। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा, हाय हाय तीन जाने ले ली दुष्ट ने। माँ तब कहती है कि तूने छुआ था, यही कारण है कि चिड़िया ने उन अंडों को खुद ही फेंक दी। वो इसलिए जब केशव और श्यामा टोकरी लगा रहे थे चिड़ियों के अंडों को उठाकर उस चित्रे के ऊपर, गद्दीदार चित्रे के ऊपर रख रहे थे, तब वो दोनों चीरा और चिड़िया दूर से देख रहे थे, बार बार आ रहे थे, आकर बिने बैठे उड़ जा रहे थे, कारण मनुष्य का हाथ उसमें लग गया था, अंडों को छू कर दोनों ने अंडों को गंदा कर दिया था। अब वो बेचारे सेंगे नहीं, ठीक है, उसे अब वो अंडों को नहीं सेतेंगे, ठीक है। तो इस कारण से वो अंडों को सेतेगी ना, तभी तो वो अंडे जो हैं वो बड़े होंगे। तो ऐसे अंडों को वो गर्मी नहीं देगी, ताप प्रदान नहीं करेगी, तो इसलिए वो बार बार आकर देख कर चले जाते थे। अब उसकी माँ ने केशव पर बहुत चिल्लाया कि तूने तीन तीन जाने, तीन अंडे थे, तीनों अंडों से तीन बच्चे निकलते, तो तीन तीन जाने ले ली इस दुष्ट ने अंडों को छुआ, अंडे गंदे हो गए, अब चिड़िया उन अंडों को से नहीं सकती, तो वो ऐसे अंडे नहीं सेकती है, तो इस कारण वो अंडों को फेंक दी, तीन तीन जाने जो है इसी के कारण अंडों को क्या हुआ, चिड़िया नहीं सेगी और फेंक दी। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। केशव उनकी भलाई चाहता था, केशव उन अंडों की हिफाजत करना चाहता था, अंडे से निकलने वाले बच्चों की तकलीफ को दूर करना चाहता था, उन्हें आराम से रखना चाहता था। केशव उसे गद्दी पर इसलिए रखा था कि वो अंडे जो हैं वो सिर्फ तिनके पर पड़े हुए हैं, तो जो बच्चे निकलेंगे उन्हें कष्ट होगा, गद्दी पर रहेंगे उन्हें आराम मिलेगी। तो केशव बेचारा जो था वो उनकी हिफाजत के लिए ऐसा किया था, वो रोनी सूरत बनाकर कहता है उनकी रक्षा के लिए वो ऐसा किया था। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। केशव की इस बात को सुनकर माँ को हंसी आ गई, ठीक है। तो माँ को हंसी इसलिए आ गई क्योंकि केशव की सोच में भी बहुत नादानी थी, केशव बहुत नादान था, वो भलाई तो चाहता था, वो दोस्त की तरह उनका भला करना चाहता था, दोस्त की तरह वो दोस्त बनकर उनकी सहायता करना चाहता था, दोस्त बनकर उनकी मदद करना चाहता था, उन अंडों की तथा अंडे से निकलने वाले बच्चों की रक्षा करना चाहता था, किंतु उस पर नादानी थी, नादानी के कारण वो गलतियाँ भी कर डाला, उसमें बहुत सी गलतियाँ थी और वो नादानी के कारण गलतियाँ कर दिया कि उन अंडों को छू दिया, ठीक है। तो अब जो है अंडों की हिफाजत, कई दिनों तक ये सब अब दुखी था कि उसके छूने के कारण चिड़िया ने अंडों को अंडों को सेना छोड़ दी, अंडों को नहीं सेती थी और अंडों को फेंक दिया, ठीक है। अंडे जो है फेंक देने से वो गिर कर टूट गए, अंडे के बच्चे जो है बनने से पहले ही वो खत्म हो गए। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला, और केशव को रह रह कर याद आता था कि अंडों को क्या करने के जोग में, अंडों को अच्छा रखने के जोग में, अंडों की रक्षा करने के प्रयास में उसने अंडों का ही हानि कर डाला, उसने सत्यानाश कर डाला, मतलब सब कुछ समाप्त कर डाला, उसने हानि कर डाला, उन अंडों का हानि कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो भी पड़ता था। केशव जी जान से चाहता था कि अंडे बड़े हो जाएं, अंडे में से बच्चे निकल आए, उन बच्चों को केशव पालना चाहता था, उन्हें प्यार देना चाहता था। उसे ये मालूम नहीं था कि उसके छूने से अंडे गंदे हो जाएंगे और चिड़िया उन अंडों को नहीं सेगी, चिड़िया उन अंडों को फेंक देगी, ठीक है, और वो अंडे जो है गिर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो चिड़िया केशव को अपने पर बहुत अफसोस होता, ठीक है, अपनी गलती पर अफसोस होता, और कभी कभी वो इसे सोच कर रो भी देता।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि केशव जो था वो जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, वो बहुत अच्छा लड़का था, दोनों भाई बहन बहुत अच्छे थे, दोनों भाई बहन चीरा चिड़िया की मदद करना चाहते थे, उनके अंडों की हिफाजत करना चाहते थे, उनके अंडों से निकलने वाले बच्चों की मदद करना चाहते थे, हिफाजत करना चाहते थे, उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, ये सोचकर उन लोगों ने ये सारे काम किए थे। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी और फिर जब अंडे वहाँ खराब हो गए, अंडे खराब हो जाने के बाद, अंडे के टूट जाने के बाद अब वो चिड़िया, दोनों चिड़िया वहाँ फिर कभी दिखाई नहीं दी। तो इस पाठ का नाम नादान दोस्त इसलिए रखा गया है बच्चे कि ये जो केशव और श्यामा थे ये दोनों दोस्त थे, दोनों चिड़िया के दोस्त थे, उन बच्चों के दोस्त थे, उन अंडों के दोस्त थे, किंतु उनमें नादानी थी। नादानी के मारे उन्हें मालूम नहीं था कि ये जो है अंडे को छूने से, अगर मनुष्य उन अंडों को छू देता है तो अंडे गंदे हो जाते हैं, और आदमी के छू देने से चिड़िया उन अंडों को नहीं सेती, उन्हें वो फेंक देती है। यहाँ भी वही हुआ। तो यहाँ पे इसलिए उन्हें नादान दोस्त कहा गया है क्योंकि वो नादानी में कुछ गलती अवश्य कर डाले थे, किंतु वो उन अंडों की भलाई करना चाहते थे, अंडों की हिफाजत करना चाहते थे, वो दोस्त तो अवश्य थे किंतु वो नादान दोस्त थे। तो ये पाठ का शीर्षक बिल्कुल सही है। प्रेमचंद ने पाठ का जो शीर्षक रखा है नादान दोस्त, ये बिल्कुल सही है। पाठ बहुत अच्छा है, आप ठीक से इसको समझ गए होंगे। मुझे लगता है कि इसे रीडिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप NCERT का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तीसरा वाला पार्ट है वसंत भाग एक का, तीसरा वाला पार्ट है, ठीक है, हिंदी क वसंत भाग एक का तीसरा वाला पार्ट है नादान दोस्त, इसको आप जरूर रीडिंग कीजिए। मैं अपने अगले वीडियो में मैं शब्दार्थ लेकर और इसके गद्यांशों जिसे हम कंप्रिहेंशन कहते हैं, मतलब पैराग्राफ सारे अनुच्छेदों के, ठीक है, सारे इतना इस पाठ के जितने भी स्तंभ हैं उन सारे स्तंभों के प्रश्न उत्तर को लेकर मैं अगले वीडियो में आऊँगी। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद स्टूडेंट्स।